अजमेर के मोनिया इस्लामिक राजकीय स्कूल में राजस्थान पुस्तकालय सेवा परिषद की ओर से सेमिनार का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय सेमिनार में 75 पुस्तकालय अध्यक्ष ने भाग लिया, जहां पुस्तकालय में होने वाले नए नवाचार के साथ साथ ई ग्रंथ को लेकर भी चर्चा की जाएगी। कार्यक्रम में बीके जा जितेंद्र जाला के साथ ही अन्य वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और नवाचार की जानकारी देते हुए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर किताबों को किस तरह से तैयार किया जा सकता है, इसे लेकर भी बातचीत की गई। आज के बारे में 2 दिवसीय जिला स्तरीय पुस्तकालय अध्यक्ष की कार्यशाला राजकीय मोनिया इस्लामिया विद्यालय में आयोजित की जा रही है। आज इसका उद्घाटन सत्र है और कल इसका समापन होगा। इसमें जिले से लगभग 75 पुस्तकालय अध्यक्ष भाग ले रहे हैं और इसमें बीके झा साहब डिजिटल कॉलेज के अपनी ई रिसोर्स पे वार्ता देंगे और जो ई ग्रंथालय के पुस्तकालय अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाला साहब न्यू कॉलेज के, ये अपनी जो पुस्तकालय अध्यक्ष में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में बताएंगे। और आज कमलेश जी पटेल आरपीएससी के ये पुस्तकालय प्रबंधन पे अपनी वार्ता देंगे। इसी तरह टीटी कॉलेज की डॉक्टर वंदिता माथुर मैम ये पुस्तकालय संदर्भ सेवा पे अपनी वार्ता देंगी। और कल सॉफ्टवेयर के बारे में ओम प्रकाश वैष्णव जो सावित्री कॉलेज के पुस्तकालय अध्यक्ष हैं वो अपनी वार्ता देंगे। और जो प्रदेशाध्यक्ष हैं गोपी जी वो पुस्तकालय में जो भी आने वाली समस्या है उसका समाधान करेंगे और सरकार की ओर से जो भी प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में चर्चा की जाएगी।